बिग बॉस सीजन 18 के घर से आई ये बड़ी खबर। अविनाश मिश्रा की खोली बिग बॉस ने पोल, कन्फेशन रूम में आखिर क्यों बुलाया नए टाइम गॉड अविनाश मिश्रा को। अविनाश मिश्रा अपनी ही बातों में हो चुके हैं एक्सपोज, तो इस वीडियो के साथ आप भी बने रहिए अंत तक। दोस्तों, बिग बॉस के घर में नया टाइम गॉड चुना जा चुका है और ये और कोई नहीं अविनाश मिश्रा बन चुके हैं घर के नए टाइम गॉड। आखिर कैसे बिग बॉस ने किया डर्टी गेम अविनाश का एक्सपोज, किस तरीके से दिलाया विवियन डिसना अविनाश को, विवियन डिसना और करणवीर मेहरा को इंसाफ, क्या करणवीर और विवियन के सामने आ जाएगी अविनाश की पूरी सच्चाई, अविनाश बन जाएंगे घर के नए विलन। दरअसल बिग बॉस ने यहां पर खेली है सबसे बड़ी चाल। जैसा कि आपको पता है कि ये सीजन बिग बॉस भी खेल रहे हैं और इस सीजन में अगर सबसे ज्यादा डर्टी गेम को एक्सपोज करने का काम किया है तो वो खुद ब खुद बिग बॉस ने किया है। टाइम गॉड बनने के बाद अविनाश मिश्रा को बिग बॉस ने बुलाया है कन्फेशन रूम में और पूछे हैं कुछ तीखे सवाल, जिसके जवाब सुन अविनाश मिश्रा के दोस्त बन चुके दुश्मन भी हो जाएंगे हैरान। ईशा सिंह के भी उड़ गए होश, विवियन डिसना को लगा सबसे बड़ा झटका, करणवीर मेहरा ने लिया बड़ा सबक और अविनाश मिश्रा की खोली पोल। दरअसल बिग बॉस ने कन्फेशन रूम में अविनाश को बुलाया और अविनाश मिश्रा को बुलाने के बाद बिग बॉस ने पूछा कि अविनाश क्या तुम्हें भी लगता है कि घर के समीकरण बदल चुके हैं, क्या तुम्हें भी लगता है कि तुम्हारे वो दोस्त अब तुम्हारे नहीं रहे हैं। अविनाश ने कहा कि बिग बॉस मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोग भी फेवर कर रहे हो करणवीर और विवियन डिसना को। यहां पर बिग बॉस मैं अपने आप को जीतते देखने आया हूं, मैं यहां पर किसी को जिताने नहीं आया हूं। वो ग्रुप जो ग्रुप मैंने बनाया था, उस ग्रुप का लीडर मैं था, जिस ग्रुप में आज चुगली गैंग का नाम दे दिया गया है, जिस ग्रुप में आज लीडर बने फिर रहा है विवियन डिसना, लेकिन उस ग्रुप में विवियन कभी था ही नहीं। तो मुझे भी तो खराब लगेगा ना जब मुझे बार बार साइड लाइन किया जा रहा है। जब मेरी लड़ाई थी दिग्विजय सिंह राठी के साथ तो आप लोगों ने कन्फेशन रूम में बुलाया करणवीर मेहरा और विवियन डिसना को। जब भी विवियन डिसना को टाइम गॉड बनाया जाता है हर बार मुझे नेग्लेक्ट किया जाता है। इस पूरे सीजन में मुझे थर्ड या फोर्थ की पोजीशन देने की कोशिश की जा रही है जो मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। विवियन और करणवीर जिस तरीके से गेम खेल रहे हैं मुझे नहीं लगता है कि ये दोस्ती निभा रहे हैं। बिग बॉस ने पूछा कि विवे अविनाश तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हारे हिसाब से विवियन डिसना तुमसे दोस्ती निभा रहा है। अविनाश ने कहा कि जी नहीं बिग बॉस, मुझे ऐसा नहीं लगता है। अविनाश सिर्फ और सिर्फ अपने आगे जाने के लिए, अपने गेम को सुपीरियर बनाने के लिए, बिग बॉस का विनर बनने के लिए आपका लाडला जो है वो हमें यूज कर रहा है और ये अब मुझे समझ आ चुका है। अविनाश ने कहा कि अब मैं टाइम गॉड बन चुका हूं तो मैं पूरा समीकरण बदल के रख दूंगा। इस वीकेंड के वार पर सिर्फ और सिर्फ मेरी ही चर्चा होनी चाहिए। अविनाश मिश्रा ने कहा कि विवियन डिसना सारे ग्रुप में जाता है, सभी की बातें सुनता है, लेकिन विवियन कभी भी स्टैंड नहीं लेता है। विवियन का ग्रुप जो है, विवियन का जो गेम है वो हमारे साथ भी खेल रहा है, वो शिल्पा जी के साथ भी खेल रहा है। शिल्पा, करण और विवियन का गेम मुझे आज तक समझ में नहीं आया। ये तीनों एक दूसरे को यूज कर रहे हैं। जब भी बात आती है शिल्पा की तो विवियन शिल्पा को सपोर्ट कर देता है इनडायरेक्टली। शिल्पा जी हमेशा से, जब भी टाइम गॉड बनाना हो या फिर घर का कोई ऐसी चीज संचालन बनाना हो तो हर बार विवियन डिसना का वो फेवर करती है, करणवीर मेहरा को फेवर करती है, जब भी लड़ाई होती है वो करण का सपोर्ट करती है। हमें क्या मिल रहा है बिग बॉस इसमें? ये तो बात वही हो गई ना कि विवियन आज हमारे ग्रुप में बैठा है तो हमारी बातें, वो जाकर दूसरे के भी ग्रुप में बैठ रहा है, यानी कि विवियन पर हम ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं। मैं तो इस घर में ईशा पर भी अब ट्रस्ट नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि इस घर में सभी लोग सिर्फ और सिर्फ ट्रॉफी के लिए आए हैं और ट्रॉफी जीतकर सभी लोग भूल जाएंगे। तो अब बिग बॉस में ये दोस्ती कंटिन्यू नहीं करना चाहता, जिस दोस्ती में सिर्फ और सिर्फ आप ही इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हो, आप हमेशा ही उस इंसान को आगे रखते हो। जब डोमिनेंस का टास्क हुआ था उस टास्क में भी मैंने विवियन डिसना को टाइम गॉड बनाने के लिए पूरी जद्दोजहद की थी, लेकिन विवियन मेरे काम में नहीं आया। विवियन जब मैं उस टास्क को कर रहा था तब विवियन मेरे बीच बचाव में नहीं आया और वो मैं टास्क हार गया था। ऐसी बहुत सारी बातें हैं बिग बॉस, जो मुझे लगता है कि विवेन से अब मुझे दूरियां बनानी चाहिए और अब इंडिविजुअल गेम खेलना चाहिए। विवेन ने, विवेन को ही नहीं करणवीर मेहरा को भी अविनाश मिश्रा ने कहा कि करण 6 वीक से सिंपति गेम खेल रहा है और यही सिंपति गेम तो है बिग बॉस जो आज करण को सुपीरियर बना चुका है, द करणवीर मेहरा शो बना चुका है। तो आज मैं क्यों नहीं खेलूं? क्योंकि मुझे लगता है कि करणवीर मेहरा को ये बातें पता थी, करणवीर बहुत ही बड़ा मास्टरमाइंड है,
है और करण ने सिंपति ली है ऑडियंस से, करण ने सिंपति ली है बिग बॉस के मेकर से और आज वो वही सिंपति को यूज कर रहा है। इसीलिए बिग बॉस अब मैं भी चाहता हूं कि मैं भी इंडिविजुअल गेम खेलू, क्योंकि जब मैं ईशा का साथ देता हूं तो ईशा मुझे नॉमिनेट करके निकल जाती है, जब मैं विवेन डिसेना का साथ देता हूं तो विवेन अपने टाइम गॉड बन के मुझे ऑलमोस्ट टाइम गॉड बनाकर छोड़ देता है और करण वीर तो मेरा दुश्मनी है, करण वीर के साथ तो मेरी फाइट रही है पूरे सीजन में। तो अब अविनाश मिश्रा ने मन बना लिया है कन्फेशन रूम में कि अविनाश खेलेंगे इंडिविजुअल गेम। अविनाश ने जो पोल खोली है विवेन और करणवीर की, करणवीर और विवेन की गेम की, वो डट्टी गेम बिग बॉस ने सभी के सामने रख दिया और सबसे ज्यादा झटका तब लगा, सबसे बड़ा झटका ईशा के भी उड़ गए होश जब ये जो कन्फेशन रूम की कन्वर्सेशन थी जो अविनाश के साथ बिग बॉस की हुई थी, बिग बॉस ने चला दिया टीवी पर और ये दिखा दिया घर वालों को, विवेन डिसेना और करणवीर बेहरा को, ईशा सिंह को अविनाश की सच्चाई कि कैसे अविनाश मिश्रा जो है वो अब पूरी तरह से बदल चुका है। फारा खान की क्लास लगाने के बाद अब अविनाश जो है वो अपने आप को आगे दिखाना चाहते हैं, अपने आप को आगे लेकर जाना चाहते हैं, जिसके चलते वो विवेन डिसेना से दूरियां बना रहे हैं। यही वो बड़ी वजह है कि उन्होंने विवेन डिसेना को इस वीक नॉमिनेट कर दिया है और विवेन के साथ अपनी सारी दोस्ती तोड़ ली है। फिलहाल आप बताना कमेंट बॉक्स में क्या है आपका ओपिनियन, क्या आपको भी लगता है कि ये मूव जो था वो मूव मास्टर स्ट्रोक था अविनाश मिश्रा का, या फिर आपको लगता है कि अविनाश ने यूज किया है विवेन को, विवेन ने 2 वीक तक अविनाश को सेव किया, विवेन ने 2 वीक तक ईशा सिंह को बचाया, लेकिन इन दोनों ने हमेशा ही विवेन को टारगेट किया है, विवेन को धोखा दिया है। मैं जानना चाहूंगा आप सभी का ओपिनियन कमेंट बॉक्स में और इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।